कह रहा है, कहता है, एनी मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। कोई भी देश इसमें से बाहर आ सकता है कभी भी, माने WTO को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे पास है जिन्होंने साइन किया। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर है कि WTO की जो काउंसिल है वहां एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि हम WTO में नहीं रहना चाहते। जिस दिन आप चिट्ठी भेजेंगे उसके ठीक 6 महीने के बाद WTO एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा आपके लिए। कैंसिल होना कोई मुश्किल नहीं, बशर्ते कि आप सरकार पर दबाव बना सके, कैंसिल हो सकता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता जब होता है ना तो कैंसिल होने का भी उसमें रास्ता रहता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। है फिर हाँ, वो उसके बाद की क्या होने वाली है स्थिति, वो ये है कि ये जो देश जो आपके खिलाफ होंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, तो आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए, कर्ज लेना बंद कर दीजिए, आपका माल कम बिकने देंगे तो एक्सपोर्ट पे निर्भरता कम रखिए, इंटरनल मार्केट पे ही भरोसा रखिए, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करिए, ये होगा। लेकिन ये थोड़े दिन होगा, थोड़े दिन में आप इसमें से निकल आएंगे तो फिर वो देश आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस ज्यादा दिन किसी देश पे नहीं लगाए जा सकते, अंत में सरेंडर होना पड़ता है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे हमारे पास चाय है, कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दूसरे देशों में इतने नहीं है, बहुत कम है, तो उनको ये तो सब चाहिए हमसे। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स हैं, बेस्ट क्वालिटी हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी तैयार करते हैं, ये तो उनको चाहिए हमसे, तो इसलिए थोड़े दिन करेंगे। हाँ, ऑयल में आएगी तो आप उसके लिए अपनी व्यवस्था बना लीजिए, मत इस्तेमाल करिए डीजल पेट्रोल, गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, जेट्रोफा तेल का इस्तेमाल करिए, होंगे सीड्स को ऑयल के रूप में इस्तेमाल करिए, अरंडी के तेल से सब गाड़ियां चल सकती हैं, पूरे देश में अरंडी लगवा दीजिए, सब गाड़ियां चलती हैं अरंडी के तेल से, सरसों के तेल से सब गाड़ियां चलती हैं, खूब आराम से ट्रैक्टर चलता है, मारुति चलती है, सब चला के देखा है लोगों ने, प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, सरसों के तेल से सब तरह की गाड़ियां चलती, कुछ नहीं मिलाना, सरसों के तेल को सीधे आप भरिए उसमें टैंक में, मारुति में भर दीजिए, चाहे डीजल से चलने वाली कोई भी गाड़ी सरसों के तेल से चलती है, अरंडी के तेल से चलती है, करंजी के तेल से चलती है। तो आपको बस इतना करना पड़ेगा कि पूरे देश में इसकी खेती ज्यादा करवाइए, ताकि उत्पादन इतना हो कि आप डीजल की जरूरत पूरी कर लें, और जो थोड़ा बहुत बचे तो गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, गोबर गैस से सब गाड़ियां चल सकती हैं। तो इसलिए डीजल पेट्रोल पे निर्भरता कम कर दीजिए, सूरज की ऊर्जा से चला लीजिए, उससे सब गाड़ियां चल सकती हैं, इसमें तो अब कोई समस्या नहीं है, ये तो समस्या हल हो गई है, डीजल पेट्रोल के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है कि खेती इसकी ज्यादा करनी पड़े, तो जितनी ऊसर जमीन पड़ी है इन सब में यही पेड़ लगवा दीजिए। देखिए अरंडी का पेड़ कहीं भी हो जाता है, रतन जोत कहीं भी हो जाता है, करंज का पेड़ कहीं भी हो जाता है, तो जो कहीं भी होने वाले ऑयल सीड्स हैं कब आइए उनको, और किसान करेगा, किसान को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते जाइए इसी के लिए। हाँ, सवेरे बात हो रही थी ना, इसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दीजिए आप उसे, तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब समस्या कोई नहीं है, समाधान है, बस उस पर चलना है। पहले यह लगता था कि समस्या है, दिखाई नहीं देता, अभी कुछ भी समस्या नहीं है, समस्या है तो समाधान है, बस उस पर चलने का काम करना। भारत में अगर ऐसा अभियान 3-4 साल चल जाए कि सब किसान इस पर लग जाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो तेल देते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इतने से पूरा देश खड़ा हो जाएगा, कोई WTO में हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं। हमारी एक ही कमजोरी है
कि हम जितना डीजल पेट्रोल फूंकते हैं उतना नहीं होता, यही एक कमजोरी है, तो इसको ठीक कर लें। हाँ, इनका बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में ऐसा कोई देश है जो WTO का मेंबर नहीं है? विश्व में इस समय 84 देश हैं जो WTO के मेंबर नहीं है। क्यूबा नहीं है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, इजिप्ट अभी निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश निकल गए हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश इसमें से बाहर आ गए हैं। तो 84 देश हैं दुनिया में इस समय जो WTO के मेंबर नहीं, और मजे से चल रहे हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है उनको। क्यूबा के बारे में तो कल या परसों जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख आया, आप सब पढ़ लीजिए। वो देश कभी WTO का मेंबर 10-12 साल से नहीं है, पहले था, निकल गया, और तब से वो अपने को बना रहा है। क्या हुआ, जैसे क्यूबा WTO से बाहर हुआ, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए, हम मदद नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो क्यूबा की सरकार ने रोना धोना बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम अपने को खड़ा करेंगे, कर लिया खड़ा उन्होंने 12 साल में। उनके यहां क्या था, डीजल पेट्रोल इन्होंने बंद करा दिया, अमेरिका के कंट्रोल में है ना सब अरब देश, तो उन्होंने किया साइकिल बनाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल मंगाओ, साइकिल से काम करो। तो क्यूबा की बड़ी आबादी अब साइकिल में काम करती है, और बाकी थोड़े बहुत डीजल पेट्रोल की जरूरत है, तो उन्होंने भी यही किया, करंजी लगवाया, जत्रोफा लगवाया, होंगे सीड्स वहां बहुत करवाए, उससे तेल बनाते हैं, और शुगर केन का ये जो है ना जूस, उसमें से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, उससे सब गाड़ियां चलाते हैं वो अपनी, किसी पे निर्भर नहीं है। और खेत उत्पादन में उन्होंने अपने को डबल कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे क्यूबा में होती है, और इतनी जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के गन्ना जो उनके यहां 7-8% की रिकवरी का था, आज 15-16% रिकवरी का कर लिया। अन्न उत्पादन बढ़ाया, फल उत्पादन बढ़ाया, वृक्ष बहुत लगवाए वहां पर, ये सब किया। शिक्षा में अपने को पूरी तरह से स्वावलंबी बना लिया, खड़ा कर लिया, अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और छोटा सा देश है, अमरीका के बिल्कुल नीचे है, रोज अमरीका उसको धमकी देता और वो अमरीका के सामने कहता है ताल ठोक के है? हाँ, हवाना में सिगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है सैकड़ों साल से, क्योंकि उनके पास बेस्ट क्वालिटी तंबाकू होती है, जो सिगार में इस्तेमाल होती है वो तंबाकू दुनिया के कुछ ही देशों में होती है, उनमें से क्यूबा एक है। तो वो दुनिया भर को सिगार पिलाते हैं, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं है, आजकल वो कुछ इम्पोर्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पैदा करते हैं। तो अब सब देश झुक गए उनके सामने। शुरू में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो अमेरिका समर्थक सब देशों ने लगाया, तो क्यूबा ने कहा ठीक है हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। 10-12 साल थोड़े कठिनाई में बीते, लेकिन आज वो खड़े हो गए। खड़े होते ही जिन देशों ने सैंक्शन लगाया था उन्होंने फिर व्यापार चालू कर दिया उनके साथ, क्यूबा के साथ, तो अब अमेरिका भी ढीला पड़ गया। तो WTO से बाहर निकल के कैसे जिंदा रहा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा कहानी है क्यूबा। क्यूबा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना WTO के हम जिंदा रह सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। यही कोशिश करने में लगा हुआ था सद्दाम हुसैन जब अमेरिका ने उसको मारा, लेकिन अभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद जो नई सरकार बनी है वो भी कह रही है हम WTO में नहीं जाएंगे। नई सरकार जो बनी है ना, शिया लोगों की सरकार अभी आई है वहां पर, वो कह रहे हम भी नहीं साइन करेंगे WTO। तो बिना WTO के 84 देश हैं, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हमसे अच्छी हालत है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आता भी है तो वो फटकार के बोल देते हैं तुम तुम्हारे घर में देखो, हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे, किसी से कर्ज नहीं लेते, मदद नहीं लेते, अपनी मस्ती में जी रहे, ऐसे ही है। चाइना WTO में आया शुरू में, बीच में निकल गया, फिर अभी 3 साल पहले आया, हाँ अपना कंडीशन बदल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आया।
और चाइना इसलिए आया कि आज चाइना इस स्थिति में है कि दुनिया के सब देशों में माल बेचे अपना, और उनका माल सस्ता बहुत है और उनको मार्केट चाहिए, तो WTO में आने से उनको मार्केट मिल गया कई देशों का, इसलिए वो आया। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इसलिए वो WTO में आया चाइना, वरना जब तक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता था WTO का मेंबर ही नहीं था, वो रिजेक्ट किया हुआ था उन्होंने। शुरू में जब WTO बना था 1948 में, 3-4 साल चाइना रहा, जब माओ की क्रांति आई ना तो WTO छोड़ दिया उन्होंने। 1951 से लेके और 2001 तक चाइना WTO के बाहर रहा 40 साल और अपने को पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने बिना WTO के। फिर उन्होंने देखा कि अब हमको एक्सपोर्ट बहुत करने का रास्ता मिल जाएगा, तो WTO 2001 में ज्वाइन किया उन्होंने, और वो भी अपनी कंडीशन पे। तो सभी देश अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल चाइना बिना WTO के जिंदा रहा, 12 साल से तो हम क्यूबा को देख रहे हैं बिना WTO के जिंदा है, इराक भी जिंदा है, ईरान भी जिंदा है, सीरिया भी जिंदा है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश जिंदा हैं, मॉरिशस जिंदा है बिना WTO के, बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग में WTO नहीं है, पनामा में WTO नहीं है, फिर ये आपका बहामा में WTO नहीं है, ये सब देश जिंदा है बिना WTO के। हाँ, जनता का दबाव हो तो करे। क्यूबा में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। हाँ, तो फिडेल कास्ट्रो जो कहता है, जनता भी वही कहती है, एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो वही कहता है जो जनता चाहती है, इसलिए वो 20 साल से उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रची है, CBI को लगाया, FBI को लगाया, सबको लगाया, CIA ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट है उस आदमी को कि उसका बाल बांका नहीं होने देती जनता, जनता उसको बहुत प्रेम करती है। और फिडेल कास्ट्रो के बारे में वहां की जनता कैसी देखो, माने बिल्कुल ईश्वर मानती है उसको, देवता, ये हमारा ईश्वर है। जब फिडेल कास्ट्रो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है, 10-10 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं, एक आदमी उठ के नहीं जाएगा। 83 साल की उम्र है और बोलता है, ऐसा बोलता है 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे बोलता है, अमेरिका की पोल खोलता है अपने देश में। और टीवी चैनल नहीं है ज्यादा उनके यहां, एक टीवी चैनल है वो उनका अपना है, रेडियो है उनके यहां, रेडियो स्टेशन है। जनता को उसने, अपने देश की जनता को क्रिकेट देखने नहीं दिया उसने आज तक, वो क्रिकेट नहीं आने देता आपने टीवी चैनल, और उसके यहां ये वल्गर अश्लील फिल्में नहीं आ सकती क्यूबा में, ये सब उसने सख्ती से बंद किया हुआ है। संस्कृति में क्यूबा की ही संस्कृति चलेगी, जो होगा वही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसने, और अपने देश को बनाया है उसने, बहुत मेहनत से बनाया, और वहां की जनता ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए खड़ा होता है तो जनता मदद करेगी, ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी। है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है भारत में प्रेसिडेंशियल, नहीं एक आदमी की जरूरत नहीं है, भारत का तो समाज ही भारत को बनाने के लिए सफिशियंट है। सरकार कोई मदद ना करे इस देश को तो भी यह देश अपने को बना सकता है। इस देश में इतनी ताकत है कि सरकार से बिना एक पैसे की मदद लिए हुए यह देश खड़ा हो सकता है। बस महत्व की बात यह है कि उसको करने वाले लोग लग जाएं उस दिशा में। बस अपने देश में एक ही खराब बात है, बड़ा बहुत है, क्यूबा जैसा अगर हमारा देश होता तो 3 साल में हम भी खड़ा कर देते, क्यूबा जैसे हमारे यहां 30 देश हैं क्यूबा उतना बड़ा है जितने हमारे यहां 30 देश हैं नहीं, 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए
बाबा की कहानी सच में आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए, वो अखबार है आपके पास तो दीजिए सबको फोटोकॉपी करा के, कल सवेरे लाइए और पढ़ के सुनाइए सबको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूबा की एम्बेसी को ईमेल पे कांटेक्ट करिए, दिल्ली में क्यूबा की एम्बेसी है, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए और उनको कहिए कि आपके देश की पिछले 20 साल की कहानी हमें भेज दो, वो सब भेज देंगे कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप केस स्टडी करिए और आपको ये अद्भुत बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका के सहयोग के, बिना WTO में जाए हुए, बिना वर्ल्ड बैंक का एक पैसा लोन लिए हुए, बिना IMF से लोन लिए हुए, बिना एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए, एक देश ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। हाँ, ग्राम स्वराज असली वही है साहू जी, वो गांधी जी को मानते नहीं लेकिन ग्राम स्वराज की वही में इस समय एक एक ग्राम पंचायत वहां की इतनी स्वतंत्र है कि फैसला करे तो केंद्र सरकार उसको पलट नहीं सकती। क्यूबा की ग्राम पंचायतों को इतना ताकत है। कैंटोन उनके इतने पावरफुल हैं कि वहां की कोई सरकार कैंटोन के फैसले नहीं बदल सकती। असली ग्राम स्वराज उन्होंने लाया है लेकिन गांधी जी को वो मानते नहीं है, लेकिन उनको समझ में आता है कि यही रास्ता है। तो आप मंगाइए वहां की हिस्ट्री, स्टोरी वो भेजेंगे, उसको जानिए समझिए। ऐसे और भी देश हैं, मैंने आपसे कहा लग्जमबर्ग है, कभी WTO का मेंबर नहीं रहा, कैसे जिंदा है पता करिए, जान लीजिए। पनामा है, वो कभी WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का मेंबर नहीं है, जिंदा है, अच्छे से जिंदा है। नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है, आराम से काम चल रहा है उसका। है धमकियां भले मिलती रहे लेकिन देश तो चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया। धमकियां तो आपको भी मिलती रहती हैं, उससे क्या। तो ऐसे 84 देश हैं बिना WTO के आराम से अपना काम चला रहे। जिस लालच में हम WTO में गए वो छोटा था, दबाव बहुत बड़ा था। हमें लालच ये था कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर ही नहीं सकते क्योंकि अपनी ही जनता इतनी बड़ी है कि इसी को फीड करना मुश्किल है। एक्सपोर्ट तो तब हो जब सरप्लस ज्यादा हो आपके पास। तो ये तो छोटा लालच था, दबाव बड़ा था, इसलिए हम WTO में। जिन देशों के पास प्रोडक्शन में सरप्लस है उनके लिए WTO अच्छा है, बहुत ज्यादा हर चीज होती है आपके यहां, जरूरत से बहुत ज्यादा, उनके लिए ठीक है। हमारे यहां कोई चीज जरूरत से बहुत ज्यादा नहीं है, न गेहूं, न चावल, न चना, न दाल, न गन्ना, न डीजल, न पेट्रोल। हमको जरूरत नहीं थी WTO में जाने की, वो तो हम चक्कर में फंसे हैं कर्जे के, इसलिए उसमें चले गए। हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग कंट्रीज को ही फायदा है ना WTO में, मार्केट बड़ा मिलता है आपको एक साथ, और उनको मार्केट ही चाहिए, कहीं से कुछ लेना है किसी को कुछ देना है, दोनों ही के लिए मार्केट चाहिए उनको, इसलिए उनके लिए ठीक है WTO। हाँ वो किसी भी नागरिक को कंज्यूमर मानते हैं, और फैमिली में जितने ज्यादा मेंबर उतने ज्यादा कंज्यूमर। तो उनके यहां क्या होता है कि फैमिली डिवाइड हो तो उनको बहुत अच्छा है, फैमिली एक साथ रहे तो तकलीफ है। उनकी नेशनल इकोनॉमी तभी चलती है जब परिवार खंड खंड टूटे, पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, बच्चे अलग रहे, तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलती है क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, परिवार से नहीं चल सकती, अलग अलग इंडिविजुअल लोग रहे तो अच्छे से चलती है। इसलिए वो सब व्यवस्थाएं वैसी ही करके चलते हैं। अकेले जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हीं का इन्वेंशन यूरोप ने किया है,
अकेले जीवन को चलाने के लिए, जैसे रेफ्रिजरेटर है। पारिवारिक जीवन में रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज गर्म तैयार है, खाने में भी, नाश्ते में भी, बनाने में भी। अब अकेला जीवन है तो कोई चीज गर्म नहीं मिलने वाली, तो फ्रिज चाहिए, तो इन्वेंशन किया उन्होंने। वॉशिंग मशीन कहां चाहिए? अकेला जीवन है तो कपड़ा धोने हैं तो वॉशिंग मशीन चाहिए। सामूहिक जीवन है, जरूरत ही नहीं वॉशिंग मशीन की। अकेला जीवन है तो माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो उन्होंने इन्वेंशन किया है। हमारे यहां जरूरत नहीं है तो हमने नहीं किया। अकेला जीवन है तभी टीवी चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने वाला तो कोई नहीं है, तो बैठे बैठे देखते रहो। अकेला जीवन है, पत्नी भी अकेली है, पति भी अकेला है, कोई बात करने वाला नहीं है, समय कैसे काटे? तो देखते रहो टीवी बैठे बैठे, कभी ये फिल्म देखो, कभी वो फिल्म देखो, चैनल बदलते रहो, उसी में टाइम पास करो। देखते देखते सो जाओ, फिर सवेरे फैक्ट्री में जाओ, मशीन की तरह से काम करो, फिर शाम को आओ, टीवी देखो, फिर खाओ, फिर सो जाओ। तो अकेले जीवन को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे इन्वेंशन किए, सारे के सारे इन्वेंशन, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे उनके यहां वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पानी गर्म करने वाला हीटर, ये सब अकेले जीवन के अप्लायंसेज हैं। कोई है ही नहीं सहयोग करने वाला, तो आपको पाव रोटी चाहिए, डबल रोटी चाहिए, ये चाहिए, पैक्ड भोजन चाहिए, डिब्बे में बंद सब्जी चाहिए, डिब्बे में बंद अचार चाहिए। कोई है ही नहीं ना आपको अचार बना सके, ना सब्जी बना सके, अकेला जीवन है तो करते रहिए यही सब। अब हमने क्या किया है कि अकेले जीवन की चीजों को हिंदुस्तान के परिवारों में घुसा दिया है। वो सब हैं अकेले जीवन की चीजें, हम फ्रिज ले आए उनकी नकल करके, माइक्रोवेव ओवन ले आए, टेलीविजन ले आए, वगैरह वगैरह, और हर कमरे में टेलीविजन लगा दिया, अलग अलग देखते रहो, अलग अलग चैनल, माने परिवार को सामूहिकता से तोड़कर अकेले अकेलेपन में हमने डाल दिया। फिर हम परेशान हैं जी, तनाव बढ़ रहा है, तो पढ़ने ही वाला है वो, तो संवाद नहीं होगा तो तनाव बढ़ेगा। अब वहां ये जो मल्टीप्लेक्स थिएटर होते हैं यूरोप में, वो भी अकेलेपन को काटने के साधन है। मल्टीप्लेक्स थिएटर का माने अकेले बैठ के आप मूवी देख सकें बॉक्स में, कोई दूसरा आपके साथ शेयर कुछ ना करे। तो वैसे ही मल्टीप्लेक्स थिएटर यहां आ गए, आपने देखे ना बॉक्स बने रहते हैं, उसमें आप अकेले बैठ के देखते रहिए। हमारे यहां जो हिंदुस्तानी थिएटर है वो कैसे हैं, लाइन से लाइन कुर्सी लगी हुई है, तो आप मूवी भी देखिए अगल बगल में भी देखिए। मल्टीप्लेक्स थिएटर में अगल बगल में देखेंगे तो दीवार दिखेगी, सामने मूवी दिखेगी, आदमी नहीं दिखेगा, आप लोग नहीं दिखेंगे। ये हमने किया है। अच्छा, इसको हम समझते हैं हमने बड़ा भारी काम कर लिया, विकास कर लिया, आदमी को अकेले बना दिया, ये कोई विकास नहीं हुआ है। उनके यहां परेशानी में आदमी अकेला रहता है, हमने उनको उनकी परेशानियों को बिना सोचे समझे अपने यहां उतार लिया। अब जैसे हमारे यहां आजकल एक परंपरा बहुत आ गई है हिंदुस्तान में, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है हिंदुस्तान, हां मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। आपने कभी रामचरितमानस में पढ़ा भगवान राम ने मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, या कभी महाभारत में पढ़ा हम सेलिब्रेट करते हैं? ये यूरोप में होता है। यूरोप में क्या होता है कि शादी टिकती नहीं, एक साल टिक गई तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं मैरिज एनिवर्सरी। वहां तो सवेरे शादी हुई शाम को तलाक होता है, दो दिन टिक जाए, तीन दिन टिक जाए बड़ी बात है, हफ्ते भर टिक जाए और बड़ी बात है, महीने भर टिके तो उससे भी बड़ी बात है, साल भर टिक गया तो आपने रिकॉर्ड बना लिया, ऐसे समय तो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि चलो हम मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में लगे हैं मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर, क्या पागल लोग हैं, ऐसे ऐसे यहां धंधे होते हैं। ये जो हमारे यहां आजकल एक और चीज बहुत तकलीफ देर हो रही है, जन्मदिन मना रहे हैं बच्चों के, कभी भारतीय परंपरा में यह सब नहीं रहा है। हमारे यहां जन्मदिन सिर्फ भगवान का मनाया जाता है, राम का, कृष्ण का, हनुमान जयंती होती है वगैरह वगैरह, साधारण लोगों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते। यूरोप में है,
यूरोप में क्यों है? क्योंकि उत्सव मनाने के कम से कम रास्ते वहां पर हैं, कम से कम घटनाएं हैं। अब वहां होता क्या, जन्मदिन मनाने का वो क्या है, फिलोसफी क्या है? पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। जन्मदिन मनाना तो पति पत्नी के मिलने के बहाने के लिए है, कि बच्चे के जन्मदिन के बहाने पति पत्नी जो दोनों अलग रहते हैं वो एक दिन मिल जाएं, इसके लिए है सेलिब्रेशन। पूरे यूरोप में होता है, और यूरोप में 80% पति पत्नी बच्चों से अलग रहते हैं, 80%। बच्चे अलग हैं, माँ अलग है, बाप अलग है, एक ही शहर में है तो भी अलग अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में होंगे तो एक नीचे एक बीच में एक ऊपर, ऐसे रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्राइवेसी का प्रॉब्लम आता है, कोई भी अपनी प्राइवेसी में दूसरे को दखलंदाजी करना पसंद नहीं करता। तो फिर क्या है, कुछ ऐसे रास्ते खोजो ताकि साल में एक बार तो मिले। तो मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि साथ में पति पत्नी रहे तब सम, तो बच्चों के जन्मदिन के बहाने वो इकट्ठे होते हैं साल में, पत्नी भी आ जाती है, पति भी आ जाती है, बच्चा आ जाता है, और कहीं दादा दादी हो तो वो भी आ जाते हैं, सवेरे से शाम तक मौज मजा करते हैं, फिर अलग अलग चले जाते हैं, हो गया। अब हमने नकल करके हिंदुस्तान में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है, बहुत खराब। हिंदुस्तान में कभी साधारण नागरिकों का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता है, हमारे यहां भगवान राम का होता है, कृष्ण का होता है, हनुमान जी का होता है, शंकर जी का होता है, पार्वती का होता है, इनका होता है, लोगों का नहीं होता है। हाँ, वो तो चाचा नेहरू बाल दिवस होता है 14 नवंबर को, कांटे झड़े एक जो है ना, हम लोगों ने एक काम किया है, आपको उसमें बहुत हंसी आएगी। यूरोप की जो प्राइवेट लाइफ है ना, उस पर आजकल मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूं, उनका जो प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ समझते हैं, घर के अंदर का जीवन, घर के बाहर का तो दिखाई देता है सबको, क्या करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी है उसमें वो जो करते हैं उसकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि कुछ भी कोई करे तो उसके पीछे एक फिलॉसफी होती है, ऐसे ही कोई कुछ नहीं करता है। जैसे हम तिलक लगाते हैं तो इसकी कोई फिलॉसफी है, चंदन लगाते हैं तो कोई फिलॉसफी है, मंदिर में जाते हैं घंटा बजाते हैं तो ऐसे ही घंटा नहीं बजाया जाता, उसकी कोई फिलॉसफी है, गाय को रोटी खिलाते हैं तो कोई फिलॉसफी है। ऐसे यूरोप वाले भी जो कुछ करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफीज हैं। छोटी छोटी बातें मैं समझाता हूं आपको, कभी कभी मैं बताता हूं, लोग बहुत हंसते हैं, आप इसमें हंसना कम, समझने की कोशिश ज्यादा कर। जैसे यूरोप में सभी घरों में कमोड होता है, टॉयलेट कमोड सिस्टम होता है, सीट वाली संडास होती है। हमने भी थोड़ी नकल करके आजकल बनाना शुरू किया है, अपने अपने घरों में कमोड सिस्टम वाला संडास हम बनाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हम बड़े स्मार्ट हैं क्योंकि हमारे घर में कमोड है। ये कमोड यूरोप में क्यों है वो जानना चाहिए। यूरोप के लोगों का जो खाना पीना है वो बहुत तकलीफ वाला है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जहां परिवार व्यवस्था नहीं होती वहां सबसे ज्यादा खराब अगर कोई चीज होती है तो खाना पीना होता है। कोई भी चीज उनको गर्म खाने को मिल नहीं सकती क्योंकि कोई साथ में किसी के नहीं रहता है, हर चीज उनको ठंडी खानी है और वो भी डिब्बा बंद खानी है। तो डिब्बा बंद खानों की एक विशेषता है कि वो जो है पचते नहीं है जल्दी। गर्म खाना जितनी जल्दी पचता है, ठंडा खाना उतनी ही देर में पचता है। आपने बचपन से सुना होगा गर्म खाना खाओ, ताजा खाना खाओ, मां कहती है ना, वो वैज्ञानिक है। गर्म खाने से जूस बहुत अच्छे बनते हैं शरीर में, पाचन अच्छा होता है। यूरोप में प्रॉब्लम है कि गर्म खाना कभी मिलता ही नहीं, एक। दूसरा, पानी उनके यहां एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है, पानी। पानी प्रॉब्लम क्या है, हमको जिस तरह ताजा पानी उपलब्ध है, हर घर के सामने एक चापाकल लगाया और पानी निकाला, एक कुआं खोदा पानी निकाला, एक ऐसा किया, यूरोप में ये कल्पना कोई नहीं कर सकता कि घर के सामने पानी मिल जाए। उनको पानी सेंट्रलाइज तरीके से मिलता है, एक बहुत बड़ा टंकी बनाया जाएगा, बोर से पानी खींच के उस टंकी में डाला जाएगा, टंकी घरों में जाएगी, फिर घरों में पानी आएगा। तो पानी उनके यहां बहुत बड़ी समस्या है। अब पानी वहां पे क्या होता है कि साल में 6 से 8 महीने भयंकर पड़ती है ठंड, है ना, और इतनी ठंड के -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो पानी उनके यहां हमेशा बर्फ के रूप में रहता है,
अब उसी को किसी तरह थोड़ा बहुत